मुकुल गोयल को डीजीपी पद से हटाने के बाद अब नए डीजीपी की तलाश तेज हो गई है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इस रेस में नाम तो कई हैं, पर यूपी पुलिस का नया मुखिया बनेगा कौन, इस रिपोर्ट में देखिए। डीजीपी बनने की रेस, दौड़ में कौन कितना तेज, योगी राज में कौन बनेगा पुलिस का नया मुखिया। मुकुल गोयल को डीजीपी के पद से हटाने और डीएस चौहान को कार्यवाहक बनाने के बाद अब वक्त स्थायी डीजीपी की नियुक्ति से जुड़ी औपचारिकताओं को पूरा करने का है। इसके लिए 30 साल की सेवा पूरी कर चुके यूपी कैडर के आईपीएस अफसरों के नाम यूपीएससी को भेजे जाएंगे। यूपीएससी को जिन आईपीएस अफसरों के नाम भेजे जाने हैं उनका कार्यकाल कम से कम 6 महीने तक का होना चाहिए। इसके अलावा चुने गए अफसरों पर किसी तरह की जांच नहीं होनी चाहिए। डीजीपी बनने के लिए उत्तर प्रदेश के सबसे सीनियर आईपीएस डॉक्टर आरपी सिंह हैं। 1987 बैच के आईपीएस डॉक्टर आईपी सिंह की गिनती एक समय में योगी सरकार के सबसे पसंदीदा अफसरों में हुआ करती थी। उनके पास ईओडब्ल्यू और एसआईटी दोनों का चार्ज था। उन्होंने अपने कार्यकाल में आजम खान समेत पावर कॉरपोरेशन का पीएफ घोटाला, बाइक वोट घोटाला, सहकारिता भर्ती घोटाला और मदरसा प्रकरण जैसी तमाम जांचों को अंजाम तक पहुंचाया। इसी तरह सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर 1987 बैच के ही विश्वजीत महापात्रा का नाम आता है। हालांकि महापात्रा इसी जुलाई में रिटायर हो जाएंगे। महापात्रा नागरिक सुरक्षा के डीजी थे, लेकिन मुकुल गोयल के डीजीपी पद से हटने के बाद उन्हें डीजी सहकारिता के पद पर नियुक्त किया गया। जबकि तीसरे नंबर पर डॉक्टर जीएन मीना का नाम है। मीना को सराहनीय सेवाओं और दीर्घ एवं विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक मिल चुका है। इस समय सीबीसीआईडी के डीजी हैं। उनका रिटायरमेंट 31 जनवरी को है, इसलिए उन्हें भी रेस से बाहर माना जा रहा। चौथे नंबर पर 1988 बैच के आईपीएस अनिल कुमार अग्रवाल चौथे नंबर पर हैं, जो मौजूदा वक्त में डेपुटेशन पर तैनात है, इसलिए उन्हें रेस से बाहर माना जा रहा। इसके बाद पांचवें नंबर पर डॉक्टर आर के विश्वकर्मा का नाम है, जो इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के डीजी हैं। विश्वकर्मा साफ सुथरी छवि के अधिकारी हैं। छठे नंबर पर कार्यवाहक डीजीपी डीएस चौहान का नाम है। डीएस चौहान भी 1988 बैच के आईपीएस अफसर हैं। सातवें नंबर पर 88 बैच के ही आईपीएस अफसर आनंद कुमार और आठवें नंबर पर विजय कुमार का नाम है। हालांकि शासन, सत्ता और पुलिस महकमे के गलियारों में चर्चा है कि 88 बैच के आईपीएस अधिकारी डीएस चौहान को ही स्थायी डीजीपी बनाया जा सकता है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट।